शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना का संक्रमण इस संकट की घड़ी में हम आयुर्वेदिक इलाज किस प्रकार से कर सकते हैं और अपना और दूसरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इस बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा काफी अच्छा मार्गदर्शन शहर के लोगों के बीच किया गया। इस मौके पर शहर पुलिस के साथ साथ लोगों का चेकअप भी किया गया है। डॉक्टर आर गोविंद रेड्डी और उनकी टीम समाज की अच्छी सेवाएं दे रही है। कोरोना महामारी से दो हाथ करने के लिए सबसे पहले हम सबको अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना अति आवश्यक है, जिसके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा पूरे जिले में लोगों का चेकअप कर उन्हें अच्छा मार्गदर्शन किया जा रहा है। वैरायटी चौक पर डॉक्टर आर गोविंद रेड्डी प्रभारी सहायक निदेशक द्वारा काफी अच्छी जानकारी पुलिस और लोगों को दी गई, जिससे लोग काफी खुश नजर आए। आयुर्वेदिक उपायों से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को और भी बढ़ा सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, बशर्ते हमें आयुर्वेदिक उपाय करना होगा। ऐसी जानकारी डॉक्टर आर गोविंद रेड्डी ने इनबीसीएन समक्ष दी है। कोरोना वायरस के रोकथाम एवं जनजागृति करने के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से कुछ गाइडलाइन दी गई है। इस समय में हमारे साथ में वे तमाम लोग कामकाज कर रहे हैं, अब तक के कई पुलिस वालों की जांच भी की गई है। आइए सीधा उनसे रुक करते और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह के गाइडलाइन दी गई है। सर, ये बताइए, जिस प्रकार की गाइडलाइन जो दी गई है, क्या कहना चाहोगे? ये आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है, इसमें आए और पुलिस वालों को रोकथाम है जो कोरोना वायरस, उसके इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप किया जाए आयुर्वेद पद्धति से, तो उसके बाद में हल्दी का दूध पीना है, टी का डिकॉक्शन पीना है, आयुष संजीवनी बटी लेना है, ये सब चीज़ें इसमें गाइडलाइन के बारे में बताया गया है। तो कैसे कैसे लेना है, उसके क्या प्रिकॉशन है, कैसे इम्यूनिटी बूस्टअप होंगी, लोगों को इससे कैसे आराम मिल सकता है, जो विदाउट अपना एलोपैथी यूज़ किए इसे कैसे बचा जा सकता है, तो इसे ये बताया गया इसमें। तो ये अपना आयुष मिनिस्ट्री का, आयुष मंत्रालय का गाइडलाइन है। अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्षेत्रीय आयुर्वेद मातृ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नंदनवन में अपना इंस्टीट्यूट है, इसमें आपको कह दें। आपके जैसे कितने लोग शहर भर में काम काज कर रहे हैं? इसमें 50 लोग है, इसमें अपने डाउनलोड 50 लोग इसमें अपने काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में। तो रोजाना अपन जगह जगह कैंप ले रहे हैं, इसमें हमारे डायरेक्टर साहब है। आयुष संजीवनी ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया है इसको, और इसको साथ में आयुष का संजीवनी के ऐप के अंदर इसमें जो आयुष का जो इम्यूनोमॉड्यूलेटेड जो ड्रग्स है उसके संबंधित बताया है, जैसे आयुष 64 है, कुछ गर्म पानी के बारे में है, कुछ च्यवनप्राश कौन कौन लेता है, इसका जो ऐप को खोलेगा डाउनलोड करके उसको आप हर चीज़ उसके अंदर फीड करके दे सकता है, और उसके साथ साथ में आपको उसका लाभदायक भी बताया गया है। वैसा ही आयुष गाइडलाइंस का हम लोग ने एक ये बनाया है इम्यूनोमॉड्यूलेटेड ड्रग्स का, तो इसमें हमने मराठी, इंग्लिश और हिंदी में हम लोग ने इसको ट्रांसलेट करके इवन पब्लिश भी किया है, और इसमें पूरा कम्प्लीटली आपको मार्गदर्शन किया है कोविड का, जो कोविड को जो प्रोफिलैक्सिस ड्रग्स है, रोग प्रतिकार निरोधक शक्ति कैसे बढ़ा सकता है और कैसे हम लोग इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, और ये खास करके इम्यूनोमॉड्यूलेटेड ड्रग्स है। जो आई 64 जो ड्रग है ये खास करके CCRS ने बनाया है, ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के है माध्यम से आया है, ये 30 साल पहले इसको ड्रग को प्रूव किया है एंटी मलेरियल ड्रग बोल के, ये भारत देश में पूरी जगह पे चल रहा है ये आई 64 का। सो ऑलमोस्ट ऑल सभी सामान्य पब्लिक के लिए हम लोग ये दवाई दे रहा है, मेडिकल कैंप्स कर रहा है नागपुर में, तो काफ़ी हम लोग ने मेडिकल कैंप्स चालू कर दिया है। तो आप थे गोविंद रेड्डी जिन्होंने बखूबी बेबाक के साथ बात करते हुए ये पता कि किस तरह से ये गाइडलाइन और कितने लोगों के कामकाज आने वाले हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण जो शहर में बढ़ रहा है, 500 से भी ज्यादा केसेस अब तक के कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, 10 की मौत भी हो चुकी है, ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसकी रोकथाम होना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस तरह के जनजागरूकता का ये कार्यक्रम कई बहने में समाज के लिए काफी बहुत अच्छा है, ऐसा ही कुछ कहना चाहूंगा। और इसका लाभ अब तक के कई पुलिस वाले हैं, कई ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है, और कोरोना वायरस की रोकथाम यकीनन होगी, बशर्ते हमें भी सहयोग करना होगा। बर्डी से कैमरा पर्सन सुहास बुटले के साथ संजय मुरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।